नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोग को साइंस के 40 को एकदम 100% सटीक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों आराम से 15 से 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से आप इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। और याद करके ही जाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ, समय नहीं बर्बाद करूँगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनता है, इसलिए वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र होता है दोस्तों, दर्पण का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी वाला, 1/f = 1/v + 1/u। आप दूसरा का आंसर बी नंबर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना, वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है दोस्तों। जिसका प्रथम पाली में है ना, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, वो 8:45 में आप लोग चेक करना प्रथम पाली वाले। और जिनका द्वितीय पाली में पेपर है, वो 1:20 में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक बार चेक कर लेना। अब इसका इशारा आप लोग समझ ही गए होंगे। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये मेरा नंबर है 9244459, इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए व्हाट्सएप पर हेलो भाई लिखकर, मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। और ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका आज लास्ट समझ लीजिए पेपर है आपका साइंस का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रकाश के परिवर्तन का नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। 4 का आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, याद रखना। और 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक लेंस की क्षमता -4D, अगर माइनस में है तो आपका अवतल लेंस होगा। लेंस वो क्या होगा? अवतल होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी या फिर क्षमता माइनस में दोस्तों होती है। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तब निर्गत रंगों में से कौन सा विचलन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों लाल रंग का विचलन जो होता है ना, एकदम न्यूनतम होता है। लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसलिए इसका विचलन न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विचलित कम होता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो 9 का आपका आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, आप इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। आंसर आपका मिल जाएगा 10 का ए नंबर मिल जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। 11 का आंसर आपका मिलेगा बी नंबर। सब लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 11 का आपका आंसर मिलेगा बी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा सूर्य दोस्तों हो जाएगा आपका। 12 का आंसर मिलेगा सूर्य, सब लोग याद रखना। 12 का आंसर क्या मिलेगा? सूर्य मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपका सौर्य ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, इसे आप लोग याद रखना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन में आपका बी नंबर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है ना, उष्मा यानी कि ऊर्जा। और देखो अगला क्वेश्चन है, ZN+CuSO4+Cu रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर दिए, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हमारा हुआ। अगला क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है और सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। तो आयोडाइड पूछा है ना, तो आपका पीला हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है, कि उपचार वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, NaOH यानी कि आपका जिसके लास्ट में OH होता है ना, वो क्षार होता है। आंसर आपका 20 का बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक का होता है जो निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है,
हमारा शरीर पीएच के कितने प्रयास के बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8 आपका आंसर मिल जाएगा, बी नंबर। क्या मिल जाएगा आपका आंसर? बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो एक कैल्शियम सल्फेट N2 1/2 H2O, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्रेफाइट होता है दोस्तों, ग्रेफाइट विद्युत का ना सुचालक होता है, सुचालक कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है, आंसर आपका सी बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, गैल्वेनीकरण कहते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 को होता है, क्योंकि N2 जो है ना वो NN के बीच में ट्रिपल बंड बनाता है, तो आंसर आपको मिल जाएगा डी नंबर, ट्रिपल बंड बनाता है। निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवबंध होते हैं, तो ऑप्शन में जो आपको सी नंबर में दिया ना C3H4, ये हमारा 3 को अवबंध बनाएगा। अगला क्वेश्चन है OH का क्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, अल्कोहल हो जाएगा आपका, सी नंबर मिलेगा अल्कोहल हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का जो सामान्य सूत्र होता है ना, एल्काइन पूछा है आपका, लास्ट में ना एल्काइन न है ना, तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन CN CN H2N-2 हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका ऑप्शन नंबर बी हो, सी नंबर हो जाएगा, C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो आपका नाइट्रोजन दोस्तों अल्कोहल में उपस्थित नहीं होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6, ये हमारा बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, अगर मेंडलीव कहेगा तो परमाणु द्रव्यमान, और आधुनिक कहेगा तो परमाणु संख्या नहीं तो परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होते हैं, 34 का आंसर मिल जाएगा, क्षारीय धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है, आपका आंसर हो जाएगा ये आपका ए नंबर आंसर सही मिल जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, एम से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीबा में अधिकांश अंतकरण होता है, अमीबा में अधिकांश अंतकरण होता है तो कुटपाद, यानी कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, अमीबा में भोजन का अंतकरण होता है तो कुटपाद के द्वारा, यह देखना। अगला क्वेश्चन है आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी है, दोस्तों छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है, तो हरा यानी कि ग्रीन कलर का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में पेसमेकर कहाँ, दोस्तों पेसमेकर कहाँ होती है, तो नीले भित्ति में होती है, ठीक है ना, नीले भित्ति में दोस्तों होती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, ब्रिक मनुष्य के ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो आपका कहते हैं दोस्तों न्यूरॉन कहते हैं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का कौन सा जुड़ा होता है, तो XX होता है, आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है ना, हाँ ये सब क्वेश्चन दोस्तों भी वही, इसको अच्छे से याद करके जाना, पूरे याद करते रहो, वीडियो को देखते रहो, एक बार रिवीजन करते जाओ, ठीक है ना, और जाकर अच्छे से टिक लगा कर आना सारे क्वेश्चन को।